नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिकेट WWE टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज IPL 2020 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होना है। हम आपको इस मैच से जुड़ी ड्रीम 11 टीम के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ हेड टू हेड इसमें खेलना, ग्रैंड लीग आप इस पे ना खेलना। मैं जो आपको टीम बता रहा हूं वो सिर्फ हेड टू हेड के लिए है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आज की ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना गेम जी ऐप ओपन कर लेता हूं। मैंने अपना गेम जी ऐप ओपन कर लिया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने 191 गेम खेले हैं जिसमें से मैं 121 गेम जीता हुआ हूं। तो अब हम टीम क्रिएट करते हैं। आज ये मुंबई और दिल्ली का पहला मैच है, मुंबई दिल्ली का पहला मैच है। हम इसमें एक हेड टू हेड कंपटीशन खोल लेते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास विकेट कीपिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। विकेट कीपिंग के ऑप्शन में हमारे पास एलेक्स कह रहे हैं, ईशान किशन है, ऋषभ पंत है, लेकिन हम क्विंटन डी कॉक को ले लेते हैं इसमें। ऑलराउंडर की बात आती है तो मार्कस स्टोइनिस काफी अच्छा विकल्प है, बाकी ऑलराउंडर हम बाद में देखते हैं। अब हमारे पास बल्लेबाजी की बात आती है तो शिखर धवन हमारी चॉइस है, रोहित शर्मा हम ले लेते हैं, श्रेयस अय्यर हम इसमें ले लेते हैं, सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में चल रहे उन्हें ले लेते हैं, अजिंक्य रहाणे हैं। अब हम बॉलर ले लेते हैं, बॉलिंग में किशोर अवाडा है, जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, ये तीनों ही क्वालिटी बॉलर है, इनको लेना बहुत फायदे का सौदा है। अब हम जाते हैं, हमारे पास हो चुके हैं 10 खिलाड़ी हो चुके हैं दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 8 क्रेडिट बचे हैं। अब हम इस 8 क्रेडिट में कौन सा ऑलराउंडर, एक हमारे पास कुणाल पांड्या का ऑप्शन दिख रहा है, हम उसको ले सकते हैं 8 पॉइंट में। यहाँ हमारे पास कीपर और बल्लेबाज में कोई ऑप्शन इतना अच्छा दिख नहीं रहा है 8 पॉइंट में। बॉलर में भी कोई 8 पॉइंट में मुझे उतना कोई अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, इसलिए हम एक काम करते हैं, वापस ऑलराउंडर वाले सेक्शन में जाते हैं दोस्तों। और इस ऑलराउंडर वाले ऑप्शन में मुझे जो सबसे अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है वो कुणाल पांड्या का ही नजर आ रहा है, तो उन्हें ही हम अपनी टीम में ले लेते हैं। और ये हमारी टीम बन चुकी है दोस्तों, हमारी टीम काफी अच्छी दिख रही है और ये हमको हमारे ड्रीम 11 में जिता भी सकती है दोस्तों। तो हम कैप्टन इसमें मार्कस स्टोइनिस को बना लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं दोस्तों, उन्होंने पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने रन भी बनाए थे, विकेट भी लिए थे। अब हमें एक वाइस कैप्टन चाहिए दोस्तों हमें अपनी इस टीम के लिए, हम वाइस कैप्टन में क्विंटन डी कॉक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, वो काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने बहुत रन भी बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। तो हमारी ये टीम क्रिएट हो चुकी है दोस्तों, देखो हमारी काफ़ी अच्छी टीम बनी है। क्विंटन डी कॉक इसमें हमारे विकेट कीपर है, ऑलराउंडर हमारे पास मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या है, बल्लेबाजी में धवन, रोहित, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, अजिंक्य रहाणे हैं, गेंदबाजी में भी दोस्तों किशोर अवाडा, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल जैसे बॉलर हैं। हालांकि दोस्तों आप इस बात को जानते होंगे कि ट्रेंट बोल थोड़ा चोटिल चल रहे हैं, इसलिए वो इस टीम में नहीं भी खेल सकते हैं आज का मैच, इसलिए अगर हमें उनकी जगह कोई हमें बॉलर लेना हो तो हम ट्रेंट बोल को हटा के हम एनरिस नॉच को ले सकते हैं दोस्तों, एनरिस नॉच भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और हमारी टीम पूरी तैयार हो जाएगी। हमने अब इसमें उसको बदल दिया है ट्रेंट बोल्ट को, लेकिन अगर ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं तो दोस्तों आप मेरी राय है कि ट्रेंट बोल्ट को ही लीजिए, आप पहले प्लेइंग 11 देख लेना दोस्तों। ट्रेंट बोल्ट अगर नहीं खेलते हैं तो आप एनरिस नॉच को लीजिए, वरना ट्रेंट बोल्ट आप जानते हैं कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शुरू में वो बहुत विकेट ले रहे हैं, इसलिए जो मेरा आपको पहला सुझाव है वो ट्रेंट बोल्ट का ही है दोस्तों। तो अब हमारी आप पूरी टीम वही है दोस्तों जो मैंने पहले बनाई थी, इसमें हमारे पास विकेट कीपिंग और वाइस कैप्टन हमारे क्विंटन डी कॉक है, कुणाल पांड्या हमारे ऑलराउंडर है, मार्कस स्टोइनिस भी ऑलराउंडर है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव हमारे बल्लेबाज हैं, शिखर धवन भी हमारी टीम में जो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, दिल्ली के कैप्टन श्रेयस अय्यर को भी मैंने लिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। हमारे ड्रीम 11 से जुड़ी और भी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर आपने कुछ हमसे अलग टीम बनाई है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें भी बताएं।